भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां भिन्न भिन्न सभ्यताएं होते हुए भी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अनेक संस्कृति, धर्म और भाषा, फिर भी भारत एक हमारा। कुछ ऐसा ही संदेश युवा शक्ति संगठन द्वारा पिछले 30 सालों से दिया जा रहा है। पिछले 30 सालों से युवा शक्ति संगठन के तत्वधान से हजरत बाबा शहनशाह 12 इमाम बेरी वाले नाना सरकार का सालाना उर्स हिंगना स्थित नाका नंबर 9 में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके दौरान अध्यक्ष राम सिंह सुनाम के मार्गदर्शन और युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से उर्स के दौरान निकाले गए संदल ने सर्वधर्म संभाव के मार्मिक संदेश को जग जाहिर किया और आकर्षक झांकियों ने उपस्थित नागरिकों का मन मोह लिया। तो वहीं कव्वाली के नजरानों ने माहौल में गर्म जोशी भर दी। आयोजन में दोपहर 3 बजे से महाप्रसाद वितरित किया गया। वर्तमान में जहां एक ओर देश में मजहबी संघर्ष की स्थिति है, उसी बीच युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष राम सिंह सुनाम ने दिया ये संदेश कि पेड़ की जड़ एक है, मजहब डाली डाली है, जो कि काफी सराहनीय है। आज का ये प्रोग्राम हम लोग 30वां साल मना रहे हैं सर, तो 30वां साल है हम 30वां, यानी आज 30 साल हो रहे और 30वां साल हम मना रहे। तो ये सब हम लोग ने सर्वधर्म संभाव के हिसाब से आज 30वें वर्ष में पहुँचे, तो हम ये चाहते हैं कि इसको देखते हुए सीढ़ी वाले साईं बाबा ने बोले थे सबका मालिक एक है और हम सर्वधर्म संभाव की जय बोलते, चार लोग भी अगर सुधर जाएंगे कि पेड़ की जड़ एक है, मजहब डाली डाली है, सभी धर्मों को की जय जयकार करना चाहिए, ये हिसाब से हम युवा शक्ति संगठना की ये कार्यकर्ता है और उन्होंने मेहनत करते हुए 30वें साल में हमारा प्रवेशन है और 30वां साई 6वां उसके शहनशाह 12 इमाम इमामुल हक, इमामुल मकाम, इमामुल अवलिया, इनका उर्स पाक मनाते, 12 आलम 12 निशान 12 चादर चढ़ाते हुए आ रहे और उनसे दुआ मांगते कि राम कहो या रहीम, दोनों की गरज अल्लाह से है, इश्क कहो या प्रेम, मतलब दोनों का एक ही है, अब होश में आ मूर्ख बंदे, ये तेरी खामा ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक मगर हर मजहब डाली डाली है, यही मेरा संदेश है सर। मेरा नाम सुरेश बाबा सुनाम, मैं नेपाली हूँ और ईमान लाया हूँ, हक और ईमान लाया हूँ, 4 बार मैंने इतने लंबे बाल करके पूरी हिंदुस्तान और पूरे दरगाह पूरे सरकारों की दुआ और उनकी खिदमत करते हुए 4 बार नीचे इतने लंबे बाल करके काट दिया हूँ उनकी आशिकी में और ये हाल में हूँ और सब ये बाल गोपाल परिवार दोस्त भाई अहबाब सब लोग मुझे साथ देते और मेरे नेतृत्व में मेरे देखरेख में प्रोग्राम होते रहता है और अल्लाह मालिक ऐसा चलाते रहे, ये दिली आरजू है तो मानना है। मैं सर्वजीत चांदे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये टाकड़ी सिंह प्रभाग 38 के तरफ से युवा शक्ति संगठन के ओर से ये सालाना उर्स है 30वां जो आयोजित किया गया है। यहाँ पे सभी मेरे भाइयों बहनों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुक्रिया। यहाँ हम हजरत शहनशाह 12 इमाम बेरी वाले नाना सरकार इनका 6 मई उर्स मनाते हैं, युवा शक्ति संगठन, मैं मनीष गेड़ाम महामंत्री युवा शक्ति संगठन, हम लोग यहाँ सभी 6 मई उर्स मनाते हैं, ये 30वां साल है। मी सुधीर कडू एक सामाजिक कार्यकर्ता हो आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा सुरेश भाऊ बाबा सुनामी यांनी असा संदल काढला ह्या ठिकाणून की ह्या एरियामध्ये असं वर्चस्व दाखवलं संदलवर की दरवर्षी ते 30 आणि हे वर्ष 30वं वर्ष होतं आणि दरवर्षी अशा अति सुंदरतेने ते संदल काढतात आणि सर्वांना सहभागी त्याच्यामध्ये घेऊन सर्व युवा शक्तीचे सर्व कार्यकर्ते त्याच्यामध्ये सहभागी होतात आणि आपला संदल कसा चांगला होईल आणि याच्यापासून दुसऱ्यांना कसं माहिती होईल आणि काहीतरी आपण याच्यातून काही चांगलं देतो ते सुरेश बाबा सुनामी दरवर्षी करतात, त्यांच्यासोबत आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत दरवर्षी सहभागी होतो आणि त्यांना अभिनंदन करतो आणि त्यांचा खूप खूप शुभेच्छा देतो की दरवर्षी त्यांनी अशाच कार्यक्रमाचं आयोजन करावं आणि सर्वांनी त्यांना सहभाग होऊन त्यांच्या मागे राहावं। मैं रोहिणी संजय धोंगडे महिला उपाध्यक्ष हूँ और सभी हमारे यहाँ पर महिला कार्यकर्ता और सुरेश जी बाबा जो कि है उन्होंने युवा शक्ति संगठना को खड़ा किया है और उनके पीछे हम सभी उनका साथ देते हुए ये हमारा 30वां सालाना उर्स संदल मनाया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, सबका मालिक एक है और हम यही सालाना उर्स संदल आगे भी 31वां ऐसे ही मनाएंगे
और BCN चैनल को हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पर आए और इस संदल में शरीफ हुए हैं। धन्यवाद। BCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।